नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टार राइड्स पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने खड़ी है बजाज की तरफ से आने वाली बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड एलपीजी। ये तीनों गाड़ियां एलपीजी में हैं। तो आज की इस वीडियो में गाड़ियों का रिव्यू करेंगे, क्या कीमत चल रही है अभी, क्या माइलेज है, तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल पर पहली बार पधारे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हो तो आप सीएनजी ले सकते हो, वरना अगर आप गांव में रहते हो तो आपको एलपीजी ही लेनी है। अगर आप एलपीजी गाड़ी ना लेना चाहो तो डीजल भी ले सकते हो, बिल्कुल रफ एंड टफ गाड़ी है, उसमें आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है, पर इस गाड़ी के कंपेयर में आपको माइलेज थोड़ा कम मिलेगा डीजल में। और साथ ही इसका नुकसान ये है कि डीजल थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, एलपीजी बिल्कुल कम आवाज़ करती है, तो आप गाड़ी को ज़्यादा लंबी चला सकते हो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है जो कि कर्व है, और साथ ही इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको सिंगल वाइपर मिल जाते हैं, और साथ ही काफ़ी अच्छी साइज में यहाँ पर आपको आउटसाइड मिरर मिल जाते हैं, और इसके बीचों बीच यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी, और साथ ही नाइट के लिए यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर टेप मिल जाती है जो कि रात के लिए काफ़ी यूजफुल रहती है, और यहाँ पर आपको कर्व टर्न इंडिकेटर मिल जाता है पार्किंग लाइट के साथ ही, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और यहाँ पर आपको क्रोम में बजाज मैक्सिमा की ब्रांडिंग मिल जाती है जो काफ़ी शानदार लगती है, और नीचे की तरफ इसका हॉर्न मिल जाता है। बात करें लाइट की, यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड लाइट मिलने वाले हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको लोहे का काफ़ी मजबूत बम्पर मिल जाता है या फिर मडगार्ड मिल जाता है जो काफ़ी मजबूत हैं, एक बंदा खड़ा भी हो जाए फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और साथ ही बात कर रहे हैं इसका फ्रंट सस्पेंशन के, तो यहाँ पर आपको कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलने वाला है जो कि डबल है, तो इसका फायदा ये होता है कि गाड़ी का संतुलन काफ़ी अच्छा बना रहता है, और साथ ही तीनों ही टायरों में आपको हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। बात करें फ्रंट टायर की, तो यहाँ पर आपको 12 इंच के टायर मिलने वाले हैं, और ये गाड़ी एलपीजी है तो इसकी निशानी यहाँ पर चेक कर सकते हो, एलपीजी लिखा हुआ है, और ऐसे कुछ नजर आती है गाड़ी साइड से काफी शानदार। और दोस्तों, गाड़ी एलपीजी होने के कारण यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए बोतल दी गई है जिसे आप आग बुझा सकते हो बाय चांस लग जाए तो, और ऐसा कुछ नजर आता है। इसका डैशबोर्ड काफी शानदार ड्यूअल टोन में, और यह है गाड़ी का मेन स्विच जहाँ पर चाबी लगी हुई है। अगर चाबी को इस साइड घुमाए तो पार्किंग लाइट जल जाती है, यहाँ से बंद हो जाती है, और यहाँ पर सारी लाइट जल जाती है, और यहाँ से सेल्फ लगा सकते हो, गाड़ी चालू हो जाती है यहाँ से। इसमें आपको सेल्फ का बटन नहीं मिलता है जबकि डीजल में मिल जाता है, यहाँ पर आपको बाकी कंट्रोल मिल जाते हैं, और ऐसा कुछ नजर आता है। इसका डिजिटल मीटर काफी शानदार, अच्छी विजिबिलिटी रहती है, इसकी टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर की, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ ही बहुत ही शानदार चीज मिल जाते हैं वो है इसका मोबाइल होल्डर, यहाँ पर आप फोन रख सकते हो। और साथ ही बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है मल्टी वेट टाइप क्लच के साथ में, काफी स्मूथ क्लच है इसका, और यहाँ पर आपको लोकेबल छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हो, और गाने का शौक होता है आप म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हो, दोनों तरफ स्पीकर लगाने का स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर आपका म्यूजिक सिस्टम लग जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको फोन चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, कंपनी ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है इस बार। यहाँ पर आपको एलपीजी से पेट्रोल करने का स्विच मिल जाता है, 1000 लाइट का बाकी खाली स्विच मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखिए तो यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन में है और काफी अच्छी रोशनी प्रदान कर देती है। और साथ ही नीचे देखिए तो यहाँ पर आपको सिंगल ब्रेक पेडल मिल जाता है जिससे तीनों टायरों में एक साथ ब्रेक लग जाते हैं, और ये है इसका ब्रेक फ्यूल, और पास में इसका हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, और इसके पास ही यहाँ पर आपको रिवर्स लेने के लिए हैंडल मिल जाता है, इसको ऊपर खींच के गाड़ी को पीछे ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो था इसका इंटीरियर, अब बात करते हैं इसके सीट की। तो काफी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है बैक सपोर्ट के साथ में, इस सीट को आप बढ़वा भी सकते हो और कुछ इस प्रकार से ऊपर हो जाता है, इसको ऊपर करके आप इसका एलपीजी टैंक चेक कर सकते हो। बात करें एलपीजी के टैंक कैपेसिटी की, इसमें आपको 20.5 लीटर का टैंक मिल जाता है। अगर आप सीट को ऊपर नहीं करके यहाँ से भी खोल सकते हो, यहाँ पर आपको लॉक दिया गया है जिसको इस प्रकार से ओपन हो जाता है, और इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, इसमें आप सामान भी रख सकते हो, यहाँ पर आपको टूल गेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से आप एलपीजी फिल करा सकते हो। बजाज ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, और साथ ही काफी स्टाइलिश यहाँ पर आपको डोर मिल जाता है, काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको डोर ओपनर मिल जाता है, कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको फुट स्टैप मिल जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का डोर है, काफी मजबूत है, और यहाँ पर एक बुश लगाया गया है जिससे कि डोर आवाज नहीं करता है, बिल्कुल नॉइस लेस चलता है। यहाँ पर आपको फुट स्टैप मिल जाता है, और ऊपर की तरफ देखे तो यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है जिसे पकड़ के आप अंदर जा सकते हो। बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये 4 सीटर है, यहाँ पर आराम से 4 बंदे बैठ सकते हैं, और काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है, यहाँ पर आप सीट पे लुका सकते हो बेबी सीट। और साथ ही इसका इंजन पीछे है, तो ये सीट इस प्रकार से ओपन हो जाती है, इसको ऊपर खींच के आप इंजन का मेंटेन कर सकते हो। इसके नीचे इसका इंजन लगा हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इंजन को। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको 12 इंच के टायर मिलते हैं, किसी भी गाड़ी में नहीं आते हैं 12 इंच के, जो कि इस गाड़ी में आते हैं, जो काफी बढ़िया है, और काफी अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है इसमें, लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, और काफी अच्छा सस्पेंशन मिल जाता है, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है दोनों तरफ,
ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है और बिल्कुल लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस के साथ में। और इसमें आपको सीवी ड्राइव शाफ्ट मिलती है जो काफ़ी मजबूत होती है, और इसमें आपको क्लच प्लेट भी थोड़ी बड़ी मिलती है जिसके कारण अगर किचन में फंस भी जाए तो फिर भी आराम से निकल जाती है, कुछ भी नुकसान नहीं होता है जल्दी से। और यहाँ पर इसकी बैटरी दी गई है जिसके ऊपर लॉक भी लगाया गया है ताकि चोरी ना हो सके बैटरी, और काफ़ी अच्छी सेफ जगह पर है ये बैटरी। और चलते हैं गाड़ी के पीछे, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोच इसका डोर मिलने वाला है पीछे से, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप सामान भी रख सकते हो और सीट भी लगवा सकते हो, अक्सर हमारे यहाँ पर सीट लगवा देते हैं लोग। और यहाँ पर आपको ये डोर भी मिल जाता है, इस प्रकार से ओपन हो जाता है डाला, इस प्रकार से ऑन ऑफ कर सकते हो इसको और सामान रख सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सवाइड का स्टिकर मिल जाता है और साथ ही बीचों बीच यहाँ पर आपको बजाज मैक्सिमा का स्टिकर मिल जाता है बहुत ही बड़ा, और यहाँ पर आपको एलपीजी का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और साथ ही नाइट के लिए यहाँ पर आपको रेड कलर में रिफ्लेक्टर टैप देखने को मिल जाती है, और साथ ही अगर आप इस डाले को खोलते हो तो यहाँ से टच हो जाता है कुछ लगा हुआ तो जाके आवाज़ भी नहीं करे और कलर डैमेज नहीं होता है। बात करें टेल लैंप की, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। और इंजन को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको जाली दी गई है जिसको इस प्रकार से ओपन कर सकते हो। और ये है इसका इंजन, काफी शानदार और काफी स्मूथ इंजन देखने को मिल जाता है, काफी नीट एंड क्लीन इंजन है। ये इंजन है 236 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन, जिसकी पावर है 10 एचपी की, और इसमें आपको टॉर्क मिलेगा 17.55 एनएम का, जो काफी बढ़िया है और काफी अच्छे माइलेज भी निकाल कर दे देता है। और दोस्तों इस गाड़ी को लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये गाड़ी पेट्रोल से भी चलती है, बाई चांस एलपीजी खत्म हो जाए तो आप गाड़ी को पेट्रोल पर चला सकते हो, जो काफी बढ़िया चीज है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसका व्हील बेस है 2025 mm का। इसका ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो लंबाई है 3073 mm और इसकी चौड़ाई है 1490 mm और इसकी हाइट है 1855 mm। बात करें GVW की तो इसका GVW है 886 kg। तो दोस्तों ये था इसका ओवरऑल लुक, बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब बात कर लेते हैं इसके कीमत की, तो इसकी एक शोरूम कीमत है 2,90,000 रुपये और सारे ऑफर वगैरह मिलाकर आपको पड़ेगी 3,20,000 रुपये के आसपास। और दोस्तों ये कीमत अलग अलग स्टेट में अलग अलग कीमत हो सकती है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का राजस्थान से देख रहे हो और गाड़ी खरीदनी हो तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, जिला भिलवाड़ा और त्रिवेणी, त्रिवेणी में इसका शोरूम है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो आकर, मेन रोड पर इसका शोरूम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।